मेरा नाम अदिति वर्मा, मैं 25 साल की एक लड़की, मैं बॉम्बे में एक छोटा सा कैफे चला रही हूँ। जब मैं पैदा हुई थी तब डाउन सिंड्रोम थी, तब सब लोग ने मुझे अलग ट्रीट किया। मेरे हालत होने के बाद एक पैसा स्कूल जाना पड़ा, लेकिन जब मैंने एक कैफे चलाया तब मैंने एक नया शुरू हुआ। एट लास्ट मेरे सपने की बॉस और मैं डाउन सिंड्रोम बच्चे को मेरे कैफे मेंटेन करती हूँ। बहुत कुछ इंडियन लगता है कि डाउन सिंड्रोम और डिसेबल बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये दिखाना चाहती हूँ बच्चों ठान ले कि सब कुछ कर सकते हैं। ये है मेरी स्टोरी। फॉर आवर व्यूवर्स, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी? मेरा नाम अदिति वर्मा, मैं 25 की एक लड़की, मैं स्मॉल नेवी बॉम्बे में एक स्मॉल कैफे चला रही हूँ अदिति करके। मेरे पास दो स्टाफ है, एक स्टाफ मेरी हेल्प करते हैं नाश्ते में, एक लड़का है वो ड्यूटी करता है हर ऑफिस में। अगर आप बुरा ना माने तो हमारे व्यूवर्स के लिए आप बता सकते हैं कि आपकी क्या कंडीशन है? जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी फैमिली डॉक्टर ने मेरे पेरेंट्स को बताया कि मुझे डाउन सिंड्रोम है। तब पता चला कि डाउन सिंड्रोम है, तभी मेरे पास माइल स्टोन स्पीच नहीं था। तब मैं थोड़ी थोड़ी जब मैं चलती थी तब मैं सांस फूलती थी और मैं बुरी हो जाती थी। आपकी इस कंडीशन की वजह से आपको स्कूल वगैरह रेगुलरली जाने मिला? स्कूल की जर्नी अच्छी नहीं थी। तब टीचर्स फ्रेंड मुझे उड़ा देते। तब मैंने पेरेंट्स एंड डॉक्टर से कंसल्ट किया, एक पैदल स्कूल में एडमिशन कराई है। 2005 में मेरे फादर बॉम्बे से उठ हुए, स्कूल में एडमिशन कराया। जब आप छोटे थे बचपन में क्या था सराउंडिंग में, लोग कैसे थे, आसपास के लोग कैसे थे? जब मैं बिल्डिंग के नीचे जाती थी खेलने के लिए तो बच्चों ने कोई भी गेम जो होते मुझे नहीं बुलाते थे, फिर मुझ पर हंसते थे। तब मैं रोते रोते मैं ऊपर चले मेरी माँ के बच्चे ले गई थी। मेरे मदर से पूछा, माँ क्या हुआ, तो बच्चे मुझे क्यों नहीं ले रहे? मेरे मदर बोला, ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। तो जो जिस तरह के मतलब डाउन सिंड्रोम के बच्चों के लिए इंडिया में किस तरह के जॉब्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से जॉब कर पाते हैं वो बच्चे? जो भी डाउन सिंड्रोम जॉब जो है नहीं कर पाते, बस घर पे जो पेरेंट्स हैं वो केयर कर सकते हैं बच्चे को। जब मैं पता चला डाउन सिंड्रोम में तभी अलग ट्रीट करते हैं। अलग ट्रीट करते, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, उसकी वजह से? डाउन सिंड्रोम में एक एबिलिटी कम होती है और थोड़ा सा समझ में कम आता है। अभी आप किस तरीके का जॉब करते हो? मैं जॉब नहीं करती, मैं बिजनेस करती हूँ। अदिति स्कॉलर में बिजनेस करती हूँ, बिजनेस भी करती हूँ, वुमन भी हूँ। वुमन में मैं अकाउंट्स बनाती हूँ, जब स्टॉक ख़त्म होता है मैं लिस्ट बनाती हूँ, मैं दुकान जाके सामान लेके आती हूँ, ये मेरा काम है। और पूरा कैफे का मैं मैनेजमेंट करती हूँ। अच्छा, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ आपका कैफे, किस तरीके से स्टार्ट हुआ? मेरे फादर के साथ ऑफिस आती थी, तब मैं यहाँ पे डेटा एंट्री करती थी। तब मैंने बात देखा टी वेंडर को, तब मैंने आड़ी आया, फिर मेरे माँ को मदर को बोला चल मैं घर में चाय बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ हर ऑफिस पे दूंगी करके एक जाके देखा। तो मैं बदल बोले चलो एक ट्राई कर देखते तो क्या होता है। 1 जनवरी 2016 में अदिति स्कॉलर खोला।
If you don't mind me asking, how did you find about Aditi's condition? My brother-in-law is a doctor, so he told me ki Aditi will be a bit different with the other child. I said, what exactly she will be, because I can't understand the word Down syndrome. So he said ki her milestone will be delayed, like normal child is going to sit at 6 month age, she will be a bit delayed, like 8 month, 9 month, her walking will be delayed, her movements will be delayed. Then he told this is called Down syndrome, and then I asked what the Down syndrome is exactly. Down syndrome is extra chromosome in all, it's a genetic problem. Of course, as a first child she was, I started crying, I went into depression. Seriously, I just cried the whole night, I was not able to feed her even. Then my parents, my in-laws, they all asked, see, this is not the matter of cry, you just understand the problem, you just face that thing. Like, what kind of difference is there in growth of people with Down syndrome and, you know, other people? Physically difference is the face, you can say the face, even the speech, they have got the slightly, the eyebrows are upward slightly. One common thing, they have got the heart problem. She was having the heart hole previously. Doctor said it will fill up automatically, but as she started growing, she started getting blue, because what was happening, the whole situation was the blood mixing was the good blood and bad blood. So that's the reason, so she was getting blue. So then in 1997, the summer, I still remember the date, the 4th December she got operated, and it was a 5 hours operation. It have been a very, very now difficult to, it's very, it was very difficult. So how did you deal with all these things that were happening around you? That time when Aditi went, that time awareness was very less. Though I have accepted that Aditi is having such thing, but I can't explain everyone. Whenever I used to go out, people used to have number of questions regarding it. Why it happened? Why you only? Why did you have anything in between the pregnancy? Number of things like rituals and all. People used to go to that Baba and there and there. I used to come back home and I used to cry, not in front of Aditi. I'll tell you one incident. When we were in Delhi, it was 2004. She was 10 years old. So that time my son was also there, and he was very small, and touch wood, by the God grace, he was very pretty, sweet also. We went to a temple, we were just coming back, one lady, she came, she was asking in Hindi, your son is so cute, how your daughter, how is she, and she looks like she's mad girl. I said nothing like that, they all are there, both are, but she is not looking very weird kind of and all. That time Aditi could able to understand ki haan, auntie said ki I'm not good. We came home and you will not believe the way she cried na ki mama, auntie said ki I am a mad girl. Seeing her tears na, matlab, I can't stop myself. Then I said, Aditi, they are the fool, those who are telling like that, they are the fool people, they don't know how sweet you are, how matlab, God has given one angel to me. So I used to explain in this way to her. You know, just listening to this makes me feel terrible. Honestly, a kid getting to hear these things are like horrible. So in general, in India, how is the perception of, you know, people with Down syndrome? They are just looking at Aditi like she is some kind of alien come down on earth and all. I just request the parents, those who are having disabled children, whatever kind of disability, they should bring them to the society. They should not hide them inside. So I know the people, it's very difficult to face the people, society, but they have to, because awareness will come, then only these children will grow. Now you can see Aditi is having this cafe and all. How is it for you to see her, you know, blossom like this when she was she used to come and cry to you at one night, and now she's taking care of the cafe? Sometime I used to see, I used to pinch myself ki whether I'm dreaming or what, ki I can see Aditi walking around the premises all alone without my help. She's talking to the customer and everybody is coming and talking to Aditi on taking the order and all. Matlab, I am a positive change in Aditi. Of course, I'm getting strength also. I'm very happy to the people, those who are supporting, and because of them, Aditi is getting confidence. What do you hope for Aditi's future or future of other kids with disabilities? Her own dream is to go for the bigger this Aditi's cafe, and she wants that, like her only special children, she wants to bring those children at the same platform. She said ki when I can do, why can't? She wants to bring those children because
is, she knows ki what is happening with it, nobody is talking, nobody. So she wants, I want to grow this Aditi corner, and there she wants to put up more, give the job. She is very good having the leading leadership also. So she used to teach them. I'm really very sure ki one day we can see Aditi as a bigger platform. बचपन से लेके आज तक आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात क्या रही है? जब मैं छोटी थी, जब मैं ऑपरेशन के बाद स्कूल गई थी, मेरी टीचर्स फ्रेंड मेरे साथ के बाहर नहीं बुलाते थे खेलने के लिए, और टीचर अच्छे से ध्यान नहीं देते थे। बचपन से अभी तक कोई भी ऐसा चैनल मुश्किल नहीं है कि मैं कर नहीं पाऊँ। मैं हर चैनल को एब्सेंट किया। अभी आपने कैफ़े खोल लिया है अपना, और आप काफ़ी अच्छे से हैंडल भी करती हैं कैफ़े को, अपने अकाउंट्स देखती हैं, सब होता है। तो उसके बाद भी कुछ लोग आपको ऐसे ही देखते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम वाली लड़की है, या आपको एक नॉर्मल लड़की की तरह देखते हैं? नॉर्मल लड़की की तरह देखते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, अच्छे फ्रेंड भी है, आए थे देखने के लिए, मिलने के लिए, उनको अच्छा लगा। तो अदितीज़ कैफ़े खोलने के, अदितीज़ कॉर्नर खोलने के बाद आपको क्या लगता है आप में किस तरीके के चेंजेस आए हैं? कॉन्फिडेंस और एक्टिव। अगर अदितीज़ कॉर्नर नहीं होता तो घर पे बेड पे बैठे बैठे टीवी देखती थी, मेरे पास खाने का सब कुछ होता, बैठे बैठे खाती रहती हूँ, इसलिए खोलने के बाद एक्टिव हो गई। कस्टमर के पास आना, नीचे जाना, वो एक्टिव और कॉन्फिडेंट। जब घर भी कस्टमर आते हैं, बात करते हैं, तब और कॉन्फिडेंस आने लगा। जैसे कि आप लोग का इंटरव्यू लिया मेरा, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। और आपका अदिति कॉर्नर के बारे में और क्या फ्यूचर प्लान है? मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मेरा एक बड़ा सा होटल होना चाहिए, उसमें से एक नया प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ ये पेंटर बच्चे को कि मैं आगे जाके एम्प्लॉयमेंट करूँ, मोटिवेट करूँ। मेरे डेडलाइन है, आपका ताकत मेरा स्ट्रेंथ है, मैनकाइंड व्हेन आई कैन डू व्हाई दे कहाँ। जो डाउन सिंड्रोम वाले किड्स हैं या कोई और हैंडीकैप किड हैं, उनके लिए आप क्या चाहती हैं कि क्या हो फ्यूचर में उनके लिए? आप बस सपोर्ट कीजिए, वो भी हर काम कर सकते हैं। जो भी कोई भी डाउन सिंड्रोम बच्चे, कोई भी हो, नॉर्मल बच्चे भी काम कर सकते हैं।